गुड मॉर्निंग इंडिया, फास्ट 15 में आपका स्वागत है। केवल आपके 3 मिनट और आप जानेंगे पूरे दिन की खबर। बीएसएफ जवानों ने भारत बांग्लादेश सीमा के पास बिठारी सीमा चौकी इलाके में तस्करी को नाकाम करते हुए 2090 किलोग्राम चांदी के आभूषण के साथ एक बुजुर्ग तस्कर को गिरफ्तार किया। बंगाल की वर्तमान ममता सरकार मात्र 30% वालों की सरकार है। उन्हें 70% वालों के लिए ना तो धार्मिक भावनाओं का सम्मान है, ना ही उनके उत्थान का। ये आरोप ममता बनर्जी और उनकी सरकार पर लगाया गया। सीमा सुरक्षा बल के जवानों को भारत बांग्लादेश सीमा के नजदीक पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना स्थित नहर से एक शव मिला है। अर्धसैनिक बल की ओर से जारी बयान के मुताबिक शव के साथ मिले आधार कार्ड से पता चलता है कि मृतक 24 वर्ष शेख इरफान गुजरात के अहमदाबाद स्थित जूहापुरा का रहने वाला था। पश्चिम बंगाल सरकार ने रेलवे बोर्ड को पत्र लिखकर कहा है कि राज्य में स्वास्थ्य सुरक्षा संबंधी प्रोटोकॉल का पालन करते हुए मेट्रो और लोकल ट्रेन सेवाएं सीमित तरीके से शुरू की जा सकती हैं। ग्रेटर नोएडा में पुलिस ने लॉकडाउन के दौरान रेव पार्टी आयोजित करने पर 11 विदेशियों को गिरफ्तार कर लिया है। जानकारी के मुताबिक इस पार्टी में 50 से ज्यादा लोग शामिल हुए थे, लेकिन बाकी फरार हो गए। पुलिस ने सूचना मिलते ही छापा मारा। बिहार स्वास्थ्य मंत्री के आवास के बाहर ANM नर्सिंग की महिलाओं ने विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारी का कहना है कि 2016 में 6300 वैकेंसी निकाली गई थी, जिसमें से 2000 को ही नियुक्त किया गया। हम ANM नियुक्ति की मांग को लेकर यहां आए हैं। नेट और जी के परीक्षा को टालने की मांग हो रही है। वहीं छत्तीसगढ़ की भूपेश बघेल सरकार ने परीक्षार्थियों को उनके परीक्षा केंद्रों तक लाने और उनकी वापसी के लिए निशुल्क परिवहन की व्यवस्था के निर्देश दिए हैं। दिल्ली मेट्रो 7 सितंबर से शुरू होने जा रही है। हालांकि इस बार आपको यात्रा करने के लिए कुछ गाइडलाइंस को फॉलो करना आवश्यक है। मेट्रो में सफर के लिए अब यात्रियों को टोकन नहीं मिलेगा, मेट्रो कार्ड होना जरूरी होगा। मुकेश अंबानी की कंपनी रिलायंस रिटेल वेंचर्स लिमिटेड ने फ्यूचर ग्रुप का रिटेल, होलसेल, लॉजिस्टिक्स और वेयरहाउस बिजनेस 24,713 करोड़ रुपए में खरीद लिया है। लद्दाख में गलवान घाटी में चीनी सैनिकों के साथ हुए हिंसक टकराव के बाद तेजी से कार्रवाई करते हुए भारतीय नौसेना ने दक्षिण चीन सागर में तैनाती के लिए अपना अग्रिम युद्ध पोत रवाना किया। इस कदम पर चीन ने आपत्ति भी जताई। लोन रिस्ट्रक्चरिंग को लेकर वित्त मंत्री की बैंक और NBFC के साथ गुरुवार को समीक्षा बैठक। गोपालगंज के मुर्गिया गांव में रात के अंधेरे में एक युवक शादीशुदा प्रेमिका से मिलने उसके ससुराल पहुंच गया। महिला के ससुराल वालों को इसकी भनक लग गई और उन्होंने प्रेमी को बेडरूम में पकड़ लिया। इसके बाद युवक को ससुराल वालों ने घसीटकर बाहर निकाला और निर्वस्त्र कर पीटना शुरू कर दिया। शोर सुनकर आसपास के लोग भी इकट्ठा हो गए और पूरा मामला जानकर भीड़ ने युवक को लात घूंसों और डंडों से बुरी तरह जमकर पीटा। लॉकडाउन में छोड़कर भाग गया था प्रेमी। प्रेमिका की शिकायत पर पुलिस ने कराई शादी। लड़की ने गुजरात से आकर कैमूर SP दिलनवाज अहमद से शिकायत की थी कि भभुआ के रहने वाले युवक अंकित ने शादी का झांसा देकर उसके साथ लंबे समय तक शारीरिक संबंध बनाए। फिर जब शादी करने को कहा गया तो वो इनकार करने लगा। पुलिस के समझाने के बाद हुई शादी। बैंग बैंग वेब सीरीज का टीजर हुआ रिलीज, जल्द नजर आएगा एक्टर्स का फर्स्ट लुक। कौन बनेगा करोड़पति के सीजन 12 का प्रोमो हुआ रिलीज, वीडियो में कंटेस्टेंट के साथ नजर आ रहे हैं बिग बी। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे फास्ट 15 में। इस चैनल के सभी वीडियो को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन पाने के लिए राइट में बेल बटन को दबाना ना भूलें।